चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर लखनऊ से ही। ODOP को बढ़ावा देगी यहां पर योगी सरकार। एयरपोर्ट बस स्टैंड पर रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। ODOP को बढ़ावा देने की तैयारी है और इसके तहत एयरपोर्ट बस स्टैंड पर रिटेल स्टोर खोले जाने हैं। रेलवे स्टेशन पर भी रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। पेट्रोल पंपों पर उत्पादों के कियोस्क स्थापित होंगे। MSME विभाग रिटेल स्टोर खोलेगा। लखनऊ में 2 पेट्रोल पंपों पर कियोस्क लगाए जाएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, ODOP को बढ़ावा देने की तैयारी है, क्या कुछ इसके तहत किया जाएगा और कितना फायदा इससे मिलने वाला है? अब बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सबसे सफल योजना ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ये कार्यक्रम लगातार सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इसी कवायद में अब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि अब ODOP को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पे भी इनके काउंटर खुले जाएंगे, ताकि इससे ज्यादा लोग इस जानकारी इसमें, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें जब ODOP नहीं था तो लोगों को जानकारी नहीं थी कि उनके जिलों में कौन सा उत्पाद सबसे ज्यादा फेमस है। तो ऐसे में योगी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो कवायद शुरू की थी, और उसके उसके नतीजे भी बेहतर मिले कि लगातार उससे लोगों को जानकारी मिली, बल्कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग जानने लगे कि उत्तर प्रदेश के जिले का कौन सा प्रोडक्ट कितना फेमस है। चाहे हम इत्र की बात करती, कन्नौज की नगरी इत्र के लिए फेमस रहा है, तो बनारस की साड़ियां भी फेमस रही हैं। ऐसे में फिरोजाबाद की चूड़ियों की बात करते हैं, या फिर हम तमाम और राज्य जनपद चाहे मैनपुरी से हम लकड़ी की बात करते हैं, अलीगढ़ के ताले की बात करते हैं, तो ऐसे तमाम प्रोडक्ट रहे हैं, उन प्रोडक्टों का को बढ़ावा नहीं मिलता था, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से बात करें चाहे हम व्यापार की दृष्टि से बात करते हैं। तो ऐसे में योगी सरकार की सबसे सफल योजना रही है ODOP, और इसी को बढ़ावा देने के लिए अब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी MSME के द्वारा स्टोर खोलने की बात की जा रही है। लखनऊ, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ के 2 पेट्रोल पंपों पर भी क्योर स्टोर जो है वो खोले जाएंगे, और अगर ये सफल रहता है तो उसके बाद प्रदेश के तमाम पेट्रोल पंपों पर भी इस तरह के स्टोर खोले जाएंगे, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके और जो प्रोडक्ट होते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उनकी बिक्री हो सके। लगातार अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी पहल की है कि जब भी उनसे कोई मिलने आता है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी अगर मिलने आता है, कोई बड़ा नेता मिलने आता है, तो उनको ODOP के जो प्रोडक्ट है वो उनको गिफ्ट के तौर पर देते हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसको बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की व्यापारियों को मिलता नजर आ रहा है, और यही वजह है कि अब इसको और बेहतर तरीके से करने के लिए स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर भी लगाने की बात की जाए, ताकि जब बाहर के लोग आए तो उनको भी पता चले कि उत्तर प्रदेश में कौन सी चीज कितनी फेमस और कितने बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में उसका उत्पादन किया जा रहा है। बिल्कुल, बने रहिएगा अश्विनी आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यहाँ पर ODOP को बढ़ावा देने की तैयारी है योगी सरकार की। एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर और साथ ही रेलवे स्टेशन पर रिटेल स्टोर खोले जाएंगे।